देश भर में प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कार्यकर्ता संसद न चलने के विरोध में गुरुवार को उपवास का आयोजन अपने अलग अलग प्रदेश और जिले के इकाइयों के माध्यम से कर रहे हैं। उपवास कर रहे भाजपा सांसद कमलेश पासवान, भाजपा के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि आए दिन लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा संसद न चलने का अलोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, जिससे नीति निर्माण संबंधी कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसी के विरोध में दिल्ली में जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं, वहीं अन्य राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां के सांसद और अन्य पदाधिकारी भी इस उपवास में प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उपवास का आयोजन सांसद कमलेश पासवान के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद कमलेश पासवान सहित क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने इस उपवास के संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने कहा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह पूरे बजट सेशन को चलने नहीं दिया गया, बाधित किया गया, उसके विरोध में देश को बताने के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय उपवास और अनशन का कार्यक्रम रखा है। पार्लियामेंट अपनी बात रखने के लिए होती है, सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होती है, और पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे विधेयक थे जो पारित होना था, कांग्रेस के लोगों ने उसको चलने नहीं दिया और पारित भी नहीं हो पाए। इसीलिए आज हम लोग पूरे देश के सांसद एक दिवसीय अनशन उपवास पर हम लोग बैठे हुए हैं, और अब इसके मार्फत हम लोग पूरे देश को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार पार्लियामेंट में विवाद नहीं रखना चाहती है, सड़क पर रखना चाहती है, और गलत जो भ्रम फैला रही है उसको हम बताने के लिए आज के बैठे हुए हैं।